ये 17 जुलाई 2011 का सबसे वायरल ट्रेंडिंग वीडियो था और क्यों? हाय गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। आज हम आए हैं इंदौर की एक और फेमस जगह पे जो कि है पातालपानी। और ये वाटरफॉल इतना फेमस हो गया है कि ये विकिपीडिया तक आ गया है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे 17 जुलाई 2011 को एक एक्सीडेंट हुआ था पातालपानी वाटरफॉल में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको पाताल पानी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी क्या बहुत ज़्यादा मतलब हाइट से गिरता है एज पाताल। और ये इंदौर का सबसे ज़्यादा ग्रीनेस्ट एरिया है। वैसे तो इंदौर में बहुत सारे वाटरफॉल है, लेकिन सबसे ज़्यादा संडे को लोग यहीं पर विजिट करने के लिए आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेल्फी लेने के लिए जाते हैं उस पॉइंट पे। तो एक ऐसी फैमिली थी, राठी फैमिली, जो कि 17 जुलाई 2011 को यहाँ पे सेल्फी ले रही थी और एकदम से फ्लैश फ्लड आ गया। फ्लैश फ्लड मतलब कि एकदम से अचानक पानी का बहाव बढ़ जाना, और वो कभी भी आ सकता है। इसलिए ऐसे वाटरफॉल में थोड़ी सावधानी जरूर बरतें आप। यहाँ पे जो विलेजर्स हैं वो मना भी कर रहे थे उनको कि वहाँ पे मत जाओ सेल्फी लेने के लिए, फिर भी वो गए। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आते, फिर भी वो गए। कुछ लोग वहाँ से इधर आ गए, पर कुछ 4-5 लोग थे जो राठी फैमिली से थे वो वहीं पे रह गए। फिर क्या हुआ कि फ्लैश फ्लड आया और वो वहीं रह गए। फिर बहाव पानी का बढ़ता गया और उसमें से तीनों की तीनों, मतलब बहुत सारे थे ऐसे, 3-4 थे, वो नीचे गिर गए। इस जो कि गिर गए और उन तीन की बॉडी अगले हफ्ते मिली थी। उनका नाम था, सब बहुत सारी बात करते कि बचे कि नहीं बचे, किसी को भी सही ढंग से पता नहीं है कि वहाँ पे कोई बचा है या कितने बचे हैं और कितने की डेथ हुई है। मैं बताता हूँ आपको कि 3 की डेथ हुई थी और 2 को रेस्क्यू कर लिया गया था, 2 बच गए थे। और वो 3 थे, मुदित राठी, चंद्रशेखर राठी और छवि धूत। ये 3 की डेथ हुई थी और इनकी डेड बॉडी अगले हफ्ते मिली थी। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। दैट्स इट। इफ यू एंजॉय दिस सिंपल एंड स्वीट वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को, और कमेंट में अपनी राय बताइए।